काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जिसे आप हर त्योहार में खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद होती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काजू कतली की ऐसी रेसिपी जिसे आप बिना फेल हुए हलवाई से भी अच्छी घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बस काजू और शक्कर से, बस दो चीजों से बनके तैयार हो जाएगी। तो इस दिवाली पर आप इसे जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हलवाई स्टाइल काजू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए 250 ग्राम काजू। अच्छी काजू कतली बनाने के लिए काजू अच्छी क्वालिटी का लें, आप चाहें तो दो पीस में भी ले सकते हैं, बस अच्छी क्वालिटी का लें। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप काजू लेंगे उतनी ही सफेद सॉफ्ट काजू कतली बनके तैयार होती है। अब यहाँ पर हमें काजू को धोना होगा, 2 से 3 बार पानी से हमें काजू को अच्छी तरह से धोना है जिससे जो भी टेस्ट या गंदगी होगी वो काजू से निकल जाएगी। अब इस पानी को फेंक दें और दोबारा से धोएंगे। हमें यहाँ काजू को कोई पाउडर नहीं बनाना है और ना कोई चाशनी बनानी है। आज हम बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्ट और नरम काजू कतली बनाएंगे। इस तरीके से बनी काजू कतली लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब फिर से हम यहाँ डालेंगे साफ पानी। हमें काजू को 2 से 3 घंटों के लिए भिगोकर रखना है, इससे हमारे काजू फूल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे, इससे हमारी काजू कतली बिल्कुल बाजार जैसी व्हाइट बनेगी। ये एक ट्रिक है, इसे हलवाई यूज करते हैं लेकिन बताते नहीं है। अब बस हम इसे कवर करके 2 से 3 घंटों के लिए रख देंगे। ये देखिए 2 से 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं काजू कितने अच्छे से फूल गए हैं और इन पर व्हाइटनेस भी बढ़िया आ गई है। अब इस पानी को फेंक देंगे और सारे काजू को एक मिक्सर जार में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। अब ये ध्यान रहे हमें काजू को पल्स मोड पर ही पीसना है, यानी कि थोड़ी मिक्सी चलाएं फिर रोकेंगे, फिर थोड़ी सी चलाएंगे फिर रोकेंगे, एक साथ हमें काजू को यहाँ नहीं पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसको पीस लेना है, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए काजू का पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तेल नहीं छूटा, बस हमें ऐसा ही टेक्सचर रखना है, हल्का सा दरदरा पीस लेना है। अब इस पेस्ट को एक कढ़ाई में डाल देंगे। अभी हमें कढ़ाई को गैस पे नहीं रखना है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसे ही बनाया जाता है। ये देखिए हमने पूरा पेस्ट कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। 200 ग्राम चीनी लेंगे और मिक्सर में इसे डाल देंगे और उसका एक पाउडर फॉर्म बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ली है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको 220 ग्राम भी ले सकते हैं और अगर आप कम पसंद करते हो तो 180 ग्राम भी ले सकते हैं। चीनी के पाउडर को यहाँ अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए काजू के मिक्स में अच्छे से चीनी मिक्स हो गई है। अब गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। लगातार चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक थोड़ी इसमें थिकनेस ना आ जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से काजू कतली आप एक बार जरूर बनाएं, मेरी गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे और पहली बार में ही परफेक्ट मार्केट जैसी काजू कतली बनके तैयार हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी थिक होने लगी है तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे इसमें कोई लम्स ना पड़े। बस थोड़ी ही देर में ये जो मिक्स है वो कढ़ाई छोड़ने लगेगा और आप देख सकते हैं मैंने इसमें घी भी नहीं ऐड करा है, बस हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। ये देखिए हमारे मिक्स ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है।
बस अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है वरना ये हार्ड होने लगेगी। अब बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आप कोई भी हार्ड सरफेस ले लीजिए, चॉपर बोर्ड हो या फिर स्टील की थाली, मैंने यहाँ चॉपर बोर्ड लिया है। अब इस पर एक बटर पेपर रखेंगे और थोड़े से घी से इसे ग्रीस कर लेंगे। अब इस पूरे मिक्स को बटर पेपर पर डाल दें और पेपर की मदद से इसे मिक्स करते जाएं। अब इसे पेपर की मदद से ही मसले, इसका हमें बढ़िया सा डो रेडी करना है। ये देखिए, हमें इसे बार बार पलटते हुए एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। ये देखिए, एक बढ़िया सा डो बनकर रेडी हो गया है जिससे हम इसे इजीली बेल पाएं। अब एक बेलन की मदद से इसे हल्के हाथ से जेंटली मीडियम थिकनेस से इसे बेल लेंगे। इसकी थिकनेस हमें ज्यादा नहीं रखनी है, जैसे बाजार में काजू कतली की होती है बस उतनी ही थिकनेस हम रखेंगे। ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है। अब आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए हवा लगने दें जिससे जब हम इसको कट करें तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो। बस अब हम इस स्टेज पर इसमें लगाएंगे चांदी का वर्क। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इसे बिना चांदी के वर्क के भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे और ये देखिए, बस अब हमें इसे डायमंड शेप में कट कर लेना है। ये देखिए, हमें सबसे पहले इसके एजेस निकाल देना है। बस अब हम इसे डायमंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, कितनी परफेक्ट और कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है काजू कतली, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। ये देखिए, मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी काजू कतली बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल टेस्टी, परफेक्ट रेसिपी। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी काजू कतली की रेसिपी कैसी बनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली।